नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। और कृषि कानून आज वापस ले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ऐलान किया, उसके बाद से प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। और प्रतिक्रिया के इस पूरी कड़ी में हमारे साथ में एक महत्वपूर्ण सदस्य पूरे आंदोलन के साथ में जुड़े रहे हैं, स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट रिएक्शन आपका प्रधानमंत्री के ऐलान पर? विशाल भाई, मैं तो कई महीनों से कह रहा हूँ, सुन सुन के मेरे साथी भी तंग हो गए थे। मैं कह रहा था कि देखिए, तीन कानून तो मर चुके हैं, बस अब हम उसका डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। तो आज उसकी घोषणा हो गई, अच्छी बात है, पर अभी भी वेट करेंगे, कलेक्ट तो करना ही होगा। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक विजय हुई है, अधूरी है लेकिन ऐतिहासिक विजय है। ऐतिहासिक इसलिए है कि इस देश में किसानों ने अपना वजूद स्थापित करके दिखाया है। सिर्फ तीन कानून का मामला नहीं है, किसानों ने ये दिखा दिया है कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, उनको जूते के नीचे कुचला नहीं जा सकता। इस देश में कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ नहीं सकता जब तक वो किसानों की बात ना सुने। इस लिहाज से ऐतिहासिक है, किसानों ने दिखा दिया है कि वो अतीत के नहीं, वो इस देश के भविष्य के भी मालिक है। इसलिए बहुत बड़ी जीत हुई है। योगेंद्र लेकिन जी, ये जो आप आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, आप चुनावी राजनीति को भी बखूबी समझते हैं। मेरा सीधा सवाल ये कि क्या ये वाकई किसान आंदोलन, किसान नेताओं की रणनीति का नतीजा है, या फिर ये चुनावी राजनीति की ऐसी मजबूरी है जिसको नजरअंदाज इस वक्त में नहीं किया जा सकता? इन दोनों में अंतर क्या है? किसान आंदोलन ने और रणनीति ने इतना दबाव बनाया कि मोदी जी को, जिनको संविधान समझ नहीं आ रहा था, हमने कहा था असंवैधानिक कानून है, मोदी जी को समझ नहीं आया। हमने कहा कानून कानूनन तौर पे गलत है, उन्हें समझ नहीं आया। हमने कहा किसान का नुकसान होगा, उन्हें परवाह नहीं है। हमने कहा 700 लोग शहीद हो गए हैं, कम से कम इंसानियत के तरीके से देख लो, उनको समझ नहीं आया। लेकिन जब दबाव बना, एक भाषा मोदी जी को समझ आती है, वो है चुनाव, वोट, सत्ता, सरकार। सिंहासन डोलने लगा तब उनको समझ आया कि नहीं, नहीं कुछ करने की जरूरत है। तो जाहिर है आंदोलन ने दबाव बनाया, आंदोलन की रणनीति थी। उत्तर प्रदेश में हमने दबाव बनाया, पंजाब में दबाव बनाया, इसलिए सरकार को मजबूरी से कदम उठाने पड़े। वो सरकार लेकिन जो पिछली इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर चुनाव नहीं आते तो शायद आपका दबाव उस रूप में काम नहीं होता, जिस तरह से 358 दिनों से आंदोलन चल रहा था, आगे भी चलता रहता। अगर लोकतंत्र ही ना होता तो 10 साल तक दबाव चलता रहता, 10 साल तक आंदोलन करना पड़ता है। लोकतंत्र की खूबी है, बड़े बड़े लोगों का अहंकार ठिकाने आ जाता है। इंदिरा गांधी को भी 1977 में लोगों ने दिखा दिया था, और नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे एक बार तय कर लिया आप तो पीछे हैं, प्रधानमंत्री मोदी है जी, पीछे नहीं हटेगा। किसानों ने दिखा दिया, बड़े बड़े तानाशाहों को जनता सबक सिखा देती है, लोकतंत्र की विजय है। लेकिन इससे आगे क्या, क्योंकि अभी भी जो आपका कोर इशू था एमएसपी का, कृषि कानून, एमएसपी ऐसा मुद्दा है जो पिछले 70 साल से चला रहा है किसानों के सामने। कृषि कानून तो अभी था जब कानून आए थे, तो जो कोर इशू है उसको लेकर आप किस रूप में आगे बढ़ेंगे? क्या ये आंदोलन है वो उसका एक अहम पड़ाव इसको माने, या फिर हम कहें कि जो आंदोलन है वो तरह से जो कानून वापसी का इशू हो गया था, एक तरह से ईगो का इशू हो गया था दोनों तरफ से, वो खत्म हो गया? एक अहम पड़ाव तो है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है, एक बहुत बड़ी जीत हुई है। लेकिन जैसा आपने ठीक याद दिलाया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे पत्रकारों ने याद रखा इस बात को, पहले दिन से हमने कहा था कि भाई ये मुसीबत जो हमारे सर पे है इनको तो हटाओ, लेकिन हमें एक सचमुच की गिफ्ट चाहिए, और वो है किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहिए, जो खुद मोदी जी ने 2011 में मांगी थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो अभी तक नहीं मिली है, उस पे कोई बात नहीं है, उस पे कोई वायदा नहीं है। तो इसलिए जाहिर है हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है जो कि अभी नहीं मानी गई। जाहिर है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अब संघर्ष का स्वरूप क्या होगा, इसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, कल परसों सब लोग मिलेंगे, बात करेंगे, उसमें जो भी तय होगा सबके लिए वो मान्य। लेकिन प्रधानमंत्री ने बिल वापसी की बात तो कही और साथ में ये भी कहा है कि कमेटी हम बनाएंगे एमएसपी समेत तमाम विषयों पर बात करने के लिए, तो फिर आपको नहीं लगता? पंजाब के किसान कहते हैं जिस काम पे मिट्टी डालनी हो उसकी कमेटी बना दो, काम पे मिट्टी। तो कमेटियों पे तो देखिए किसी को कोई भरोसा नहीं, अगर कमेटियों से सुलझना होता तो अब तक मामला कई सालों पहले सुलझ गया होता। ये कमेटी की उपयोगिता तभी है जबकि उसका मूल सिद्धांत स्वीकार कर लिए जाए।
जब सरकार ये कहे कि हाँ हम एमएसपी को कानूनी मान्यता देने को तैयार हैं, हम एमएसपी पर खरीद करने की गारंटी देने को तैयार हैं, हम इतने वर्ष में गारंटी करेंगे, उसके बाद कमेटी उसकी इबारत तैयार कर सकती है। कमेटियां बैठ के ये तय नहीं कर सकती कि एमएसपी होगी या नहीं होगी। ये संघर्ष जमीन का संघर्ष है और ये कमेटियों से सुलझने वाला नहीं है। एक तरह से आंदोलन जो चल रहा था इसको सामाजिक आंदोलन और एक राजनीतिक आंदोलन के रूप में भी देखा जा रहा था सरकार के पर दबाव डालने के लिए, और ऐसे में आप स्वराज पार्टी की नुमाइंदगी भी करते हैं, तो एक अंदेशा ये भी था कि अगर ये मुद्दा सुलटता नहीं है, उस रूप में इसका समापन नहीं होता, तो शायद चुनावी राजनीति के अंदर भी किसान नेता उतर सकते हैं। योगेंद्र यादव से आज के दिन मैं फिर वो सवाल करना चाहता हूं जो पिछली बार आपसे किया था, आप भी अपनी कोई चुनावी राजनीति किसानों के मुद्दे पर देख रहे हैं या इसे एक विशुद्ध रूप से किसानों का वो मुद्दा रख रहे हैं, समाज का मुद्दा रख रहे हैं जिसको आप सरकार के साथ में उसका समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं फिर वही कहूंगा जो शायद पिछली बार भी मैंने कहा होगा कि अगर राज की नीति पे सवाल उठाना राजनीति है तो किसान राजनीति करते हैं, करेंगे। चुनावी राजनीति की बात है, क्या राजनीति करने का मतलब चुनाव में उम्मीदवार उठाना नहीं? मैं अपनी तरफ से स्वराज इंडिया की तरफ से बोल सकता हूं, इस आंदोलन में हमारी भूमिका जय किसान आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में थी, वो हमने निभाई है, और इससे चुनावी फायदा हमें तो खैर मिलने वाला है नहीं, हम तो उस दौड़ में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तो है नहीं। सही सवाल उठाना, और हाँ राजनेताओं को चुनाव में डराना बहुत जरूरी है, हमने जैसे बंगाल में जाके इनको किया, उत्तर प्रदेश में, यदि चुनाव का डर नहीं होगा तब तो इन्हें कोई डर ही नहीं होगा। तो चुनाव में जाके डराना धमकाना ये तो हर आंदोलन का अधिकार है और फर्ज है, वो किसानों ने किया और करके दिखाया। अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसका श्रेय ले रही है, जिस तरह से सुबह से बयान आ रहे हैं, और किसान जो आंदोलनकारी हैं उनकी प्रतिक्रियाओं से ज्यादा उनकी आवाज है वो सुनाई दे रही है। क्या आपको लगता है वाकई विपक्ष ने इस आंदोलन में आपका उस रूप में साथ दिया जो आपकी अपेक्षाएं थी? जिसने साथ दिया सबको सलाम है, सबको धन्यवाद है, बस एक आखिरी में इशारे से मैं कह दूं कि अगर पार्टियों के किए होने वाला होता तो किसानों को आंदोलन की जरूरत ही ना पड़ती, अगर पार्टियों के किए लाखों लोग सड़क पे आने वाले होते तो फिर किसान क्यों आते। लेकिन जिसने किया उसका धन्यवाद है, लेकिन ना तो किसी पार्टी की जीत है, ना किसी नेता की जीत है, ना ही केवल ये मोर्चे की जीत है, ये उस किसान की जीत है जो गर्मी सर्दी धूप बारिश सब में खड़ा रहा, डटा रहा, उन महिला किसानों की जीत है जो दिन रात लगी रही। आज गुरुपर्व है और गुरु नानक ने कहा था कीरत करो, यानी कि ईमानदारी की मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से कमाई करके खाओ, और कीरत करने वाला सबसे बड़ा कौन व्यक्ति है? किसान। आज कीरत की जीत है, आज गुरु नानक के बोल की जीत है, आज किसान की जीत है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय वाकई उस रूप में कम है, लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि संसद में क्या होगा, आपकी अपेक्षा क्या है जब संसद सत्र होगा? ये तीन कानून तो खारिज होंगे ही होंगे, तीनों को तो लिया जाएगा। मेरी अपेक्षा ये है कि एमएसपी के कानून पर भी सरकार आगे बढ़ेगी, और अगर वो नहीं बढ़ती तो मैं स्पष्ट कहता हूं हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, कम समय में आपकी पहली प्रतिक्रिया, लेकिन उम्मीद करेंगे जैसे जैसे तस्वीर का रुख और साफ होगा हम आपके साथ में जुड़ते रहेंगे, आपसे विस्तार से इस पर बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी भारत के तमाम दर्शकों से जुड़ने के लिए। नमस्कार।